ये जो चैप्टर है हमारा मेल मर्ज, ये है बच्चों किसका, पार्ट बी का, है ना। जो आपकी बुक है उसमें पार्ट बी में यूनिट वन है ना, यूनिट वन में सेशन थ्री है मेल मर्ज। ये जो पूरा चैप्टर है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने नाइन्थ में भी किया था, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारा ये दो पार्ट्स में होएगा, पार्ट ए मींस थ्योरी विल बी कवर्ड ओनली, एंड पार्ट बी प्रैक्टिकल सेशन विल बी देयर। दोनों आज ही होंगे, ठीक है। एक ही क्लास में अगर पॉसिबल नहीं हुआ देन वी विल क्रिएट सेकेंड लिंक, बट वी विल फिनिश दिस चैप्टर टूडे ओनली, ओके। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। मेल मर्ज, ठीक है। मर्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना। कहीं ना कहीं पे ये जो मेल मर्ज है, मेल मर्ज से आइडिया लगा सकते हो कि इसमें आप कुछ ना कुछ मर्जिंग करते हो, ठीक है। जो आप मर्जिंग करते हो, मर्जिंग किस चीज की करोगे, एक डॉक्यूमेंट को आप दूसरे डॉक्यूमेंट में मर्ज करके एक तीसरा डॉक्यूमेंट बनाओगे, ठीक है। जैसे कि आप ये यहाँ फिगर में भी देख रहे हो, आपके पास एक डेटा सोर्स होगा और आपके पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। जो डेटा सोर्स होगा वो कौन सी फाइल होगी बच्चों, ये फाइल हो जाएगी आपकी एक्सेल की, कैल्क की, डेटाबेस की, ठीक है, इनकी फाइल होगी। और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा बच्चों आपके पास, जो आप राइटर के अंदर फाइल क्रिएट करोगे ना, राइटर के अंदर जो फाइल क्रिएट करोगे जिसके थ्रू आप मेल मर्ज का सारा प्रोसीजर करोगे, तो वो हो जाएगा आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो मेल मर्ज है ये वर्ड से रिलेटेड कंसेप्ट होता है बच्चों, राइटर से रिलेटेड कंसेप्ट होता है। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भी किया था कि ये तो उसमें एक्सेल में या कैल्क में होता है मेल मर्ज, तो जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। जो मेल मर्ज का कंसेप्ट है वो होता है राइटर से रिलेटेड या एमएस वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। आप डेटा सोर्स को और सोर्स डॉक्यूमेंट को दोनों को यूज करके और आप क्या करते हो, एक नया डॉक्यूमेंट लेके आओगे जिसको हम बोलते हैं आउटपुट डॉक्यूमेंट, ठीक है। मेल मर्ज, इट अनेबल्स यू टू क्विकली क्रिएट एंड प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मेलिंग लेबल्स एंड सो ऑन। ये क्या करता है मेल मर्ज, आपको एबल करता है टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। देखो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हम सपोज करो पीटीएम है, पीटीएम के लिए हम हर एक पेरेंट को एक इनविटेशन भेजना चाहते हैं ना। तो हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, सपोज करो 40 स्टूडेंट है हमारी क्लास में, ठीक है। तो ये जो 40 स्टूडेंट हैं इनके पेरेंट्स को हमें एक इनविटेशन लेटर भेजना है या फंक्शन के लिए भेजना, पीटीए, कोई भी एक्स वाई जेड रीजन हो सकता है, ठीक है। तो हमें कितने लेटर्स टाइप करने पड़ेंगे, हमें कितने लेटर्स टाइप करने पड़ेंगे भारती, सुनीता उधर से ही कर लो, इधर है भारती, मैम 40 स्टूडेंट्स के लिए हर एक पेरेंट के लिए 40 टाइप करने हैं। है ना। हमारे पास 40 स्टूडेंट है तो हमें कितने लेटर्स टाइप करने पड़ेंगे, 40, 40 फाइल्स बनानी पड़ेंगे, है ना। लेकिन जो कंटेंट होगा, कंटेंट क्या हर किसी के लिए अलग अलग होगा, अब है जो कंटेंट होगा, क्या कंटेंट अलग अलग होगा हर स्टूडेंट के लिए, ही ना। नो मैम, कंटेंट विल बी सेम, ठीक है। तो प्राची बताओ डिफरेंट क्या, डिफरेंस क्या होगा हर एक लेटर में, प्राची अनम्यूट योरसेल्फ, श्रेष्ठ, नेम डिफरेंस होगा पेरेंट्स का और स्टूडेंट का। नेम डिफरेंट होगा, है ना, पेरेंट का और स्टूडेंट का। तो हमारे पास देखो अगर हम ऐसा कोई लेटर भेजना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास
कंटेंट तो सेम होगा, मींस जो लेटर का, इनविटेशन लेटर का सब्जेक्ट है और जो आप उसके अंदर लिख रहे हो, यू आर इनवाइटेड फॉर दिस एंड दिस पर्पस, जो भी आपका है कंटेंट, दैट इज सेम. बट व्हाट इज डिफरेंट, यू नीड टू एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स नेम. ठीक है, वो चीज हर एक लेटर में अलग अलग होगी. तो जो चीज सेम है, जो चीज सेम है उसको हम क्या करेंगे, एक जगह पे बना लेंगे. ठीक है, और जो चीज अलग अलग है उसको हम क्या करेंगे, एक जगह पे बना लेंगे और फिर दोनों को मर्ज कर देंगे. आया समझ में? जो चीज सेम है उसको हम एक फाइल में एंटर करेंगे और जो चीज अलग अलग है उसको दूसरी फाइल में एंटर करेंगे और फिर हम दोनों फाइल्स को मर्ज कर देंगे. गॉट इट? हम क्या करेंगे, दोनों फाइल्स को मर्ज कर देंगे और मर्ज करके एक जो थर्ड फाइल बनेगी दैट विल बी कॉल्ड आउटपुट डॉक्यूमेंट. प्रोसीजर समझ आया आपको? यस मैम, ओके, तो प्रोसीजर में हमें दो चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी बच्चों. सबसे पहले तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, दीक्षा देसवाल मैम प्लीज रिपीट अगेन. देखो दीक्षा, हमारी ना क्लास थोड़ी सी आगे जा चुकी है, इस क्लास की है ना मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ. ठीक है, तो जो आपका स्टार्टिंग का है ना, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी बेटे, आप उसमें देख लेना. ठीक है, इसी पर्पस के लिए मैंने रिकॉर्डिंग की है. तो क्लास ओवर होते ही आधे घंटे में मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, तो आप उसमें देख लेना, है ना? ऐसे तो बच्चे आते ही रहेंगे, कितनी बारी रिपीट करूं मैं. और बाकी एक बारी क्लास एंड हो जाएगी तो सेकेंड सेशन ले लेंगे अगर ज्यादा डाउट रहेंगे तो. ओके, एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज. मेल मर्ज की एडवांटेजेस क्या है? इट इज अफोर्डेबल, है ना? अफोर्डेबल का मतलब ये है कि अगर आपको एक जगह पे 40 लेटर टाइप करने थे, वहां पे आप क्या करोगे, यू विल टाइप ओनली वन लेटर, है ना? अफोर्डेबल तो है ही. प्रोड्यूसेस मास मेल, बहुत सारी मेल एक साथ प्रोड्यूस कर देता है. इट इज सिंपल एंड टाइम सेविंग, है ना? सिंपल भी है, अभी करेंगे तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा हाउ मच सिंपल दिस इज. ठीक है, और टाइम सेविंग इज ऑल्सो. मेक्स चेंजेस इन लेटर्स इजीली. लेटर सपोज करो आप 40 कैंडिडेट्स को सेम इनविटेशन लेटर भेज रहे हो, ठीक है, और आपकी मिस्टेक हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 लेटर्स में यू नीड टू चेंज, है ना? आपको कितने लेटर्स में चेंज करना पड़ेगा प्रद्युम? प्रद्युम आपको कितने लेटर्स में चेंज करना पड़ेगा? शिव, शिव आवाज नहीं यस आ रही. मैम, कितने लेटर्स में आपको चेंज करना पड़ेगा अगर एक मिस्टेक आपने कर दी है? 14। 40, है ना? तो जहां आप 40 टाइम कोई काम करते वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही में चेंज करो और वो सारा का जो भी एक में चेंज करोगे वो 40 के 40 इनविटेशन लेटर्स में दिख जाएगा. ठीक है, और मच इजियर टू प्रूफ रीड. प्रूफ रीड क्या होता है बच्चों, कि आपने एक चीज टाइप तो कर ली, आपने एक चीज टाइप तो कर ली, फिर आप क्या करते हो उस चीज को चेक करते हो, ये होती है प्रूफ रीडिंग. चेक करते हो कि जो आपने टाइप किया है वो सही है कि गलत है, कोई मिस्टेक तो नहीं है उसमें. तो प्रूफ रीडिंग भी अगर आप सेपरेटली कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 में अलग अलग प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी. अगर आप मेल मर्ज के थ्रू कुछ कर रहे हो तो आपको एक ही जगह पे चेक करना पड़ेगा वेदर द कंटेंट इज करेक्ट और नॉट, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं है. ठीक है, और स्टैंडर्ड लेटर कैन बी सेव्ड एंड यू रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स. एक ही लेटर आपने क्या किया, इनविटेशन लेटर लिख लिया. सपोज करो हमें क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट को के घर पे इनविटेशन भेजना पड़ता है, पीटीएम का इनविटेशन भेजना, फंक्शन का इनविटेशन भेजना है, या और भी कोई एक्स वाई जेड चीज है उसके लिए इनविटेशन भेजना है. सपोज करो हमें साल में 6 बारी इनविटेशन भेजने हैं स्टूडेंट के पेरेंट्स को. ठीक है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 बारी वो फाइल्स बनानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप मेल मर्ज के थ्रू कर रहे हो तो एक ही फाइल क्रिएट करो, और सेकेंड टाइम जब आपको इनविटेशन भेजना है तो जो फर्स्ट टाइम पे आपने लेटर क्रिएट करा था उसमें यू जस्ट चेंज द कंटेंट वंस एंड द इफेक्ट विल बी अप्लाइड ऑन 40 पेजेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये अभी थ्योरी में हो सकता है आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि कैसे होगा, लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए मेल मर्ज, जो मेल मर्ज है उसके कंपोनेंट कितने होते हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, कंपोनेंट बोलो एक्सक्यूज बेटी। मी मैम, हाँ हिना बोलो। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हमने एक फाइल जो बनाई, हम बिना मेल मर्ज के उसी को यूज नहीं कर सकते? कैसे? यूज तो कर सकते, बिना मेल मर्ज के यूज करते हैं, मैम लेकिन वो लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बता दो एक बार। मैं बताती हूँ लास्ट वाले पॉइंट में क्या था हमारे में। 1 मिनट। अ स्टैंडर्ड लेटर कैन बी सेव्ड एंड रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स। आपने एक इनविटेशन लेटर बनाया है ना, उसमें हर एक बच्चे का नाम और उसके पेरेंट का नाम आपने एड्रेस वगैरह एंटर कर दिया है ना। सेकेंड टाइम आपको किसी और पर्पस के लिए इनविटेशन लेटर भेजना है, योर क्लास स्टूडेंट्स विल बी सेम ना, आपकी क्लास नो के मैम, सेम रहेंगे ना, क्लास की बच्चे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो सेम लेटर है ना उसमें आपने लिखा था, जैसे सब्जेक्ट लिखा था कि इनविटेशन फॉर पीटीएम, फिर आप इनविटेशन भेज रहे हो एनुअल फंक्शन के लिए, तो आप सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज कर दोगे, इनविटेशन फॉर एनुअल फंक्शन, और आगे तो वही मैसेज रहेगा ना कुछ। अगर मान लो मैसेज में भी आपको अलग से कुछ फ्रेम करना पड़े तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। देखो अच्छा ओके मैम। अगर ये ऐसे अभी क्लियर नहीं हुआ ना, इस पॉइंट को दिमाग में रखना, जब हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे ना इसका तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को पता, कंप्यूटर में जो भी करते हैं थ्योरी में वो इतना बेटर समझ नहीं आता हमको जब तक हम उसका प्रैक्टिकल सेशन नहीं देख लेते, है ना। तो हम लोग ऐसा कभी नहीं करते कि प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी कर रहे हैं, तो ये हमने इसलिए आज पहले थ्योरी की है और फिर बाद में प्रैक्टिकल करेंगे, इसलिए थोड़े डाउट आ रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज ये डाउट नहीं आते। तो कंपोनेंट ऑफ मेल मर्ज 3 कंपोनेंट होते हैं। प्राची नाम पढ़ो कंपोनेंट ऑफ मेल मर्ज के। डॉक्यूमेंट हाँ, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब जो मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, मेन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द मेन बॉडी ऑफ योर लेटर, फील्ड नेम एंड मर्ज इंस्ट्रक्शंस, द बेसिक इंफॉर्मेशन विद इन द मेन डॉक्यूमेंट रिमेन्स इक्विवेलेंट। ठीक है, ये जो मेन डॉक्यूमेंट होता है बच्चों, मेन डॉक्यूमेंट आप कहाँ पे क्रिएट करोगे, ये आप क्रिएट करोगे राइटर में। कहाँ पे क्रिएट करोगे? राइटर में। जो फाइल आप राइटर में बनाएंगे ना उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मेन डॉक्यूमेंट। उसके बाद आ जाता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या होगा? जो फाइल आपने कैल्क में बना रखी है, कैल्क तो कर चुके हो ना आप लोग, डेटाबेस वाली यूनिट भी हमारी हो चुकी है ना। डेटाबेस में आप क्या करते हो? बताओ तनुज, डेटाबेस में हम क्या करते हैं बेटे? डेटाबेस वाली यूनिट की थी ना हमने, तनुज अनम्यूट योर सेल्फ। शिव, डेटाबेस में हम क्या करते हैं? शिव अनम्यूट योर यस सेल्फ। मैम, डेटाबेस में हम क्या करते हैं बेटे? डेटाबेस वाली यूनिट की थी ना हमने, थर्ड यूनिट है। यस मैम,
क्या किया था उसमें, क्या क्या करते हैं? मैम फाइल में हाँ, जो डेटाबेस था, बेस बेस था ना हमारा सॉफ्टवेयर का नाम, उसमें क्या क्या बनाया था आपने? हम डिजाइन व्यू में और विजार्ड के थ्रू फाइल बनाई। डिजाइन व्यू में और विजार्ड के थ्रू फाइल बनाई थी। क्या फाइल बनाई थी? भविष्य, जो हमने बेस बेस किया था, बेस में हमने क्या क्या क्रिएट किया था? भविष्य, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या क्या क्रिएट किया था बेटे बेस में हमने? हमने रिपोर्ट बनाए थे केस रिपोर्ट बनाए थे। हाँ, की क्वेरी की थी। और भारती, आप बताओ और क्या बनाया था हमने बेस के अंदर? जो क्या दो। डिलीट कर दूँ? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन मैं ये कह रही हूँ, हमने एक यूनिट की थी ना बेस से रिलेटेड, यस मैम। डेटाबेस से रिलेटेड, उसमें हमने क्या क्या क्रिएट किया था? मैम डिजाइन व्यू में मैम टेबल, मैम टेबल, वेरी गुड। डिजाइन मैम व्यू में क्वायरी, टेबल, क्वेरी, मैम क्वायरी और फॉर्म, फॉर्म, रिपोर्ट एंड रिपोर्ट। रिपोर्ट वेरी गुड, वेरी गुड, रिपोर्ट वेरी गुड, वेरी गुड। ये चार चीजें हमने क्रिएट की थी, है ना? टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट्स और फॉर्म्स। तो हम जब इसको कनेक्ट करेंगे ना, राइटर में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके हम उसको किससे कनेक्ट करेंगे? कैल्क से, कैल्क की फाइल से, या डेटाबेस की फाइल से क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो जो कनेक्शन हम सेट करेंगे, देखो कैल्क में तो सिंपल शीट ही होती है ना, उसमें टेबल ही बनी हुई होती है, लेकिन जो डेटाबेस है, डेटाबेस में हम लोग चार चीजें क्रिएट करते हैं ना, टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। तो जो ये मेल मर्ज है ना, इसका फॉर्म और रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मेल मर्ज में हम जब कनेक्शन सेट करेंगे, सपोज करो बेस के किसी फाइल से, तो उसमें हम कनेक्शन सेट करेंगे या तो टेबल से या फिर क्वेरीज, ठीक है? तो डेटा सोर्स क्या हो गया? डेटा सोर्स स्टोर्स द नॉलेज दैट चेंज फॉर एवरी डॉक्यूमेंट। देखो, जो मेल मर्ज में हम इनविटेशन लेटर भेज रहे हैं, उसमें दो चीजें हमने की है ना अभी तक। एक तो जो कंटेंट सेम रहेगा, एक कंटेंट जो चेंज होता रहेगा, मतलब बच्चे की इंफॉर्मेशन जो चेंज होती रहेगी, ठीक है? तो जो चेंज होता रहेगा वो किसमें, हम किससे लेके आएंगे? डेटा सोर्स से। दिस इंफॉर्मेशन इज इंसर्टेड इन द मेन डॉक्यूमेंट वन बाय वन। ये क्या करेंगे, हम सारे फील्ड्स को वन बाय वन इंसर्ट कर देंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ द डेटा सोर्स इज अ नेम एंड एड्रेस लिस्ट फ्रॉम विच द प्रोग्राम गेट्स व्हाट यू वांट टू इंक्लूड इन द मेन डॉक्यूमेंट। तो इसने एग्जाम्पल दे दिया है, नेम एंड एड्रेसेस। हमारा जो एग्जाम्पल है, इनविटेशन लेटर भेज रहे हैं, उसमें क्या हो जाएगा बच्चों? स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड मदर नेम, ठीक है? चलो इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। प्रैक्टिकल स्टार्ट करें इसका। यस अच्छा, ऐसा करते हैं, जो इसके प्रैक्टिकल की क्लास कितने मिनट्स रहते हैं? टाइम क्या हुआ अभी? मैम, एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है? 12:54। 12:54। तो हमारे पास कम टाइम है, मैं दूसरा लिंक भेजती हूँ, तो उसमें हमें 40 मिनट्स मिल जाएंगे। तो फटाफट आप वो दूसरे वाला लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ये मीटिंग मैं ओवर कर देती हूँ, दूसरा लिंक भेज रही हूँ। अभी बंद मत करना फोन वगैरह को, आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, ओके?